मधुबनी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। दरभंगा में 12 व 13 को कार्यकर्ता संवाद करने के बाद मधुबनी के लिए प्रस्थान किए तेजस्वी यादव। उनका काफिला दरभंगा के सर्किट हाउस से निकला और मधुबनी जा पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मधुबनी जिले में 14 व 15 सितंबर को कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। आज जिले के मधुबनी राजनगर बेनीपट्टी बिस्फी व हरलाखी के कार्यकर्ताओं से संगठन सशक्तिकरण के मुद्दे पर विमर्श करेंगे। कल को लौखा पुलपरास झंझारपुर बाबूबड़ी खजौली के कार्यकर्ताओं से मिलकर विमर्श करेंगे। ये बातें प्रदेश प्रवक्ता सह विधायक सतीश कुमार और प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजद को किस तरह से सशक्त किया जा सकता है इस पर ही बात होगी, किसी आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं होगी। पार्टी के बूथ लेवल तक किस तरह से सशक्त किया जा सकता है इस पर विमर्श होगा। हमारे नेता आज जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आज 750 लोगों से उनकी बात हुई, पंचायत अध्यक्ष से लेकर वार्ड अध्यक्ष से लेकर सारे पहलुओं पर बात कहे, क्योंकि 2024 का जो चुनाव का परिणाम आया उस परिणाम के बाद थोड़ी सी हमारे नेता के अंदर मायूसी थी कि हम सब जगह से जीत गए, मिथिलांचल से क्यों हार गए। इस हार की समीक्षा होनी चाहिए और कहाँ गलती हुई, कहाँ ये हुआ, सब पर वो अपने से ये नजर रख रहे हैं। इसलिए पंचायत अध्यक्ष से लेके वार्ड अध्यक्ष से लेके प्रखंड अध्यक्ष से वो फेस टू फेस अपना बात किए हैं, ये कहाँ कोई कमी रह गई है उसको हम लोगों ने पूरा करेंगे। आप लोगों ने क्या सब मुद्दा रखा अल्पसंख्यक को लेकर? हमने जितने भी मुसलमान के मुद्दे थे, बॉब वोट से लेके तीन तलाक से लेके बहुत सारे मदरसा के बहुत सारे इशू सब थे, सब पे अभी हमारी मीटिंग हुई है माइनॉरिटी की। आप लोगों ने देखा होगा अभी तुरंत कल भी माइनॉरिटी की हमारी बैठक हुई थी जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष यादव आए हुए थे, सारी बात को वो सुने गंभीरता से। अभी पुनः 15 मिनट पहले फिर माइनॉरिटी के जितने अभी इमाम साहब सब बैठे हुए हैं सबसे हमारी बात हुई और हमारे नेता से रूबरू सब मुलाकात की है। जहाँ जहाँ समस्या हुई है उस पर वो निदान करने के लिए 24 घंटा तत्पर है।